स्टूडेंट्स, जैसा हमने पूर्व में जिक्र किया था कि किसी भी अनुबंध को लीगल होने के लिए जरूरी है कि उसका उद्देश्य और प्रतिफल दोनों वैधानिक हो, यानी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। उसका पर्पज भी लीगल होना चाहिए और उसका कंसिडरेशन प्रतिफल भी लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल है तो ऐसी स्थिति में ऐसे ठहराव वॉइड होते हैं, ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं, इन कार्यों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता है और ऐसे ठहराव को कोई भी पार्टी इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित नहीं करा सकती। इसके अंतर्गत कुछ किस तरह के ठहराव आते हैं इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कि लीगली वॉइड होते हैं। उसमें पहला है कि जब कोई ठहराव कानून द्वारा वर्जित हो, जब वह कानून द्वारा वर्जित हो, आपको पता है कि डिफरेंट तरह के रूल्स और डिफरेंट तरह के एक्ट्स बने हुए हैं जिनमें कुछ कार्य कानून करने के लिए मनाही करता है, डिनाई करता है। तो ऐसे समस्त कार्य जिसको कानून परमिशन नहीं देता है और कोई व्यक्ति करता है तो वो अनलॉफुल होते हैं, और अनलॉफुल होने की वजह से वो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स पार्टी वाई पार्टी को मिलावटी माल बेचने का ठहराव करती है और उसके पेटे एडवांस पेमेंट ले लेती है, वो माल सप्लाई नहीं करता है, मिलावटी माल सप्लाई नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वाई पार्टी एक्स पार्टी के खिलाफ दावा पेश नहीं कर सकती। क्यों? कारण क्या है कि मिलावटी माल बेचना या एडल्ट्रेटेड माल बेचना एक कानून के अंतर्गत, फूड एक्ट के अंतर्गत एक वर्जित कार्य है। तो ऐसा वर्जित कार्य को करने का कोई ठहराव किया गया है जो कि कानून परमिशन नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। दूसरा, ऐसा कार्य जो कि कपटपूर्ण हो, फ्रॉडुलेंट हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या दूसरे आदमी को ठगने के हिसाब से किया गया है। जैसे कोई आदमी कहे कि आप मेरे पास पैसे जमा कराइए, मैं 15 दिन में 20 दिन में आपके डबल करके दे दूंगा, तो इस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वाले कार्य करे जाते हैं। ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वाले कार्य हमेशा व्यर्थ होते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर पर है कि किसी ऐसा कार्य जिसमें किसी व्यक्ति या दूसरे की संपत्ति को चोट पहुंचाने का लक्ष्य हो। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति या इस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इस उद्देश्य से कोई ठहराव करता है तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। उसका कारण क्या है कि कानून किसी भी व्यक्ति की अल्लाफुली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का उसको परमिशन नहीं देता है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे जो ठहराव है पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। इसमें अगला कार्य आता है कि ऐसे ठहराव जो कि न्यायालय जिसको अनैतिक मानता हो, इमोरल मानता हो, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ अनुचित हो, इमोरल हो, जिसको न्यायालय अनुमति नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे काम है। जैसे किसी के वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव, पति पत्नी के रूप में आदमी अपने कानून और विधि के अनुसार रह सकता है, उसमें किसी थर्ड पार्टी को किसी तरह का इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसी तरह सेक्सुअल इमोरलिटी को बढ़ाने वाले ठहराव जो भी इलीगल है, क्योंकि ये नैतिक रूप से गलत होते हैं और इस तरह के ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। इसी तरह से वादकरण के ठहराव, चैम्पर्टी, यानी किसी पर आप मुकदमा फाइल किए, उससे पैसा वसूल करेंगे और उस पैसे को हम डबल आपस में बांट लेंगे, तो इस तरह के जो ठहराव होते हैं जिसमें किसी पार्टी को भेजा परेशान करके, अनरीजनेबल तरीके से परेशान करके उससे पैसा वसूली और उसका बंटवारे का कोई ठहराव किया जाता है, तो वो इलीगल होता है, वो वॉइड होता है। इसी तरह से पब्लिक पोस्ट और ऑफिसर्स और टाइटल्स यानी उपाधियों को बेचने का ठहराव, कोई आदमी कहे कि मैं आपको पीएचडी की डिग्री ला दूंगा, मैं एमबीबीएस की डिग्री दिला दूंगा, बदले में आपसे पैसे मिलेंगे या सरकारी पोस्ट पे आपको नौकरी दिला देंगे, पैसा ले लेंगे, तो इस तरह के ठहराव चूंकि इलीगल होते हैं और ऐसे ठहराव जो है व्यर्थ होते हैं। इसी तरह से न्यायिक कार्य में व्यवधान के ठहराव, लीगल एक्शन के अंदर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कोई लेन देन किया जाता है या कोई ठहराव किया जाता है तो वो पूरी तरह ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन चूंकि उसका इलीगल होता है इसलिए ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसी तरह से पैतृक अधिकारों व कर्तव्यों में हस्तक्षेप के ठहराव, हर व्यक्ति को अपने पैतृक अधिकार और दायित्वों का निर्वाह स्वतंत्रता पूर्व करने का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति के पेरेंटल राइट्स होते हैं उसमें किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने माता पिता से जो अधिकार मिलते हैं उस माता पिता के प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों को वो एंजॉय कर सकता है, उनका निर्वाह कर सकता है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने वाले ठहराव, ऐसे ठहराव जिनमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कोई ठहराव किया गया कि आप घर से बाहर निकलोगे, आप वहां नहीं जाओगे, यहां नहीं जाओगे, या आप ऐसा
ऐसा नहीं खाओगे, ऐसा नहीं पियोगे, या इस तरह से नहीं रहोगे, किसी की पर्सनल लिबर्टी पे किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसी तरह विवाह दलाली के ठहराव, अगर ब्रोकरेज के आधार पर किसी के विवाह कराने की कोई ठहराव किया जाता है कि पैसे लेकर हम किसी का इसका शादी करा देंगे, या तो इस तरह के ठहराव चूंकि कानून इसकी परमिशन नहीं देता है, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। इसलिए वैवाहिक कर्तव्यों के व्यवधान, कर्तव्यों में व्यवधान के ठहराव, आप वैवाहिक कर्तव्यों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले ठहराव के लिए भी अनैतिक ठहराव टाइप होते हैं, इसलिए ऐसे ठहरावों को भी व्यर्थ माना गया है। लेनदारों को धोखा देने वाला ठहराव, लेनदार क्रेडिटर्स को किसी तरह का फ्रॉड किया जाता है, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं चुकाने की नीयत से या उनके साथ धोखा देने की नीयत से को ठहराव किया जाता है, तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने जो कि दिवालिया घोषित होया है, दिवालिया घोषित होने के बाद भी वो संपत्तियों को बेच रहा है चुपचाप, और ऐसी स्थिति में ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कारण क्या है, दिवालिया घोषित होने के बाद व्यक्ति किसी तरह की संपत्ति बेच नहीं सकता। राजस्व अधिकारियों को धोखा देने के ठहराव, यानी टैक्स चोरी के लिए किसी तरह का एग्रीमेंट किया जाता है, टैक्स चोरी के बदले में को रिश्वत दी जाती है, रिश्वत देने का ठहराव होते हैं, ऐसे ठहराव चूंकि इलीगल होते हैं और ऐसे ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। इसी तरह बोली न लगाने के ठहराव, कॉन्ट्रैक्टर्स बोली नहीं लगाते हैं किसी कार्य के लिए और पूलिंग कर लेते हैं एक साथ मिलकर, और उस पूलिंग से वो बेजा फायदा उठाते हैं, रीजनेबल फायदा उठाते हैं, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। इसी तरह एकाधिकार सृजित करने वाले ठहराव, ऐसे ठहराव जिनके अंदर की एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिलकर मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है और मोनोपोली से अनरीजनेबल बेनिफिट उठाने का उनका लक्ष्य होता है, ये समाज के लिए घातक होता है। ऐसे ठहराव जो है गैरकानूनी होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, ऐसे ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। इसके अलावा अनुचित शर्तों के आधार पर किए गए ठहराव, एग्रीमेंट्स विद द अनफेयर कंडीशंस, अगर कोई ठहराव ऐसा किया गया है जो कि अनफेयर कंडीशन है, ब्लेटेंटली अनफेयर लगता है, पूर्ण रूप से अनुचित लगता है, उन शर्तों पर कोई ठहराव किया गया है, तो वो ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पार्टी ने वाई पार्टी से लोन लिया और वाई पार्टी ने लोन दिया, अब बाजार के अंदर रेट 6% है, लेकिन उसने 15% या 20% की रेट पे उसने रेट पे लोन दिया, तो ऐसे ठहराव इसलिए अनलॉफुल होते हैं कि ये अनरीजनेबल और बिल्कुल ब्लेटेंटली अनरीजनेबल लगते हैं, और ऐसे ठहराव कानून की नज़र में भी इलीगल होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, ऐसे ठहराव को वॉइड घोषित किया सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ठहराव के बारे में डिस्कस किया है जो कि अनलॉफुल होते हैं, जिनकी कानून परमिशन नहीं देता है, ये वॉइड होते हैं और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको क्रियान्वित कराया जा सके। थैंक यू।